यही है जो दो औरतों को यहाँ पर जख्मी हालत में ले आई थी, उसमें से एक उनकी सास है और एक विक्टिम। मत छोड़िएगा इन लोगों को, बड़ी बुरी तरह से जख्मी किया इन लोगों ने मेरी बेटी को। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। देखिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले मुझे स्टेटमेंट लेने दीजिए। अरुणी बता दो बेटा इंस्पेक्टर साहब को कि क्या हुआ था, बता दो। अरे साहब जेल में डालिए इसे, यही वो गुनेगार जिसने एक्सीडेंट किया है। अरे अमीर हो तो क्या कुछ भी करेंगे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला मैं, तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। अरे इस देश में हम गरीबों की भी जुबान है, हमें भी इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मैडम आप मेरे साथ चलिए, स्टेटमेंट लेना आपका, आइए हटिए यहां से, चलिए साइड हो आइए मैडम। हाँ तो बताइए गाड़ी कौन चला रहा था? मैडम कुछ तो बताइए, आप चुप क्यों हैं? तुम्हें जो करना था तुमने वो कर दिया, अब तुम आगे देखो कि हम क्या करते हैं। मेरी वजह से मेरी एक सास को जेल जाना पड़ा था, मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। मैडम मैंने पूछा गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी मैं चला रहा हूँ। तेरे चिल्लाने से क्या होगा, बड़े लोग हैं वो लोग, कुछ नहीं होगा उन लोगों को। अरे बड़े हैं तो अपने घर के, देश का कानून सबके लिए बराबर है। अब मैं भी देखता हूं कि कैसे बचते हैं ये। हाँ गोविंद, काम हो गया, अब मैं भी देखता हूं इनको। क्या करेगा तू? अब जब तक विवाह ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक मैं इनकी जिंदगी आराम करूंगा। जाने दे इन लोगों को, छोड़ दे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला इन लोगों का। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं इन्हें? इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा इन बड़े लोगों से पैसे निकलवाने का। बड़े हैं तो पैसे खर्च करें। ये क्या बोल रहे हो आरुषि, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो अपना लाइसेंस दिखाइए। ये तो लर्निंग है। मैडम क्या आप जानती हैं आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो? अब तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो लड़की विवाह जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वरना बिना पक्के लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए किसी का एक्सीडेंट करने का मतलब है पूरी जिंदगी जेल में सड़ना। फिलहाल हमें आपको हिरासत में रखना होगा। चलिए हमारे साथ। आरुषि तुमने ऐसा किया कैसे? तुम्हारे पास तो सिर्फ लर्नर्स लाइसेंस है, इतना बड़ा रिस्क तुमने कैसे उठाया? और ऊपर से प्रियंका को भी साथ ले लिया, क्या समझकर, क्या सोचकर, कैसे किया तुमने ऐसा? प्लीज ना, मुझे माफ कर दीजिए दादी। माफ कर दीजिए? मेरी माफ कर देने से क्या होगा? माँ ये एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता है। माँ
हरप्रीत बिल्कुल सही कह रही है, आप शांत हो जाइए। और बेटा तुम चिंता मत करना, हम जितना जल्दी होगा तुम्हारा बेल करवा देंगे। चलिए मैडम। माँ कुछ कीजिए ना। मैं और ऋषि के साथ पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। रुको, मैं भी साथ चलूंगी। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? आज फ्राइडे है और ऑलरेडी दो बज चुके हैं। कल और परसों कोर्ट बंद रहेगा। अगर हमें आरुषि की बेल करवानी है तो आज किसी भी हालत में मैजिस्ट्रेट के ऑफिस 4 बजे से पहले पहुंचना होगा। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। हाँ माँ, रौनक ठीक कह रहा है। हम माँ, हम एक काम करते हैं, हम अभी ऑफिस चले जाते हैं। आप लॉयर को बोल दीजिए हम सीधे वहीं मिले। हाँ जा, जा जा निकल जल्दी। जाओ बेटा। मैडम का फोन। हेलो शर्मा जी, आपको अभी के अभी मैजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचना है। मैं अभी गुड़गांव में हूँ। क्या आप गुड़गांव में? तो यहाँ तक आने में कितना वक्त लगेगा? मुझे कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। 1.5 घंटा? कुछ भी करके जितनी जल्दी हो सके आप पहुंच जाइए। हमारी बहू आरुषि को पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई है, और अगर अभी के अभी बेल नहीं हुई तो आप तो जानते हैं उसे 2 दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा। हाँ मैं जल्दी पहुंचता हूँ। हाँ थैंक यू। बिजनेस टाइकून वत्सला ग्रुप के फैमिली की बहू ने एक लड़की को बेरहमी से कुचल दिया। उस लड़की की हालत नाजुक मानी जा रही है। ये लोग सब क्या बकवास कर रहे हैं, पागल हैं क्या? आरुषि बेटा, जब तक मेरी बीवी का होश नहीं आ जाता तब तक इस वत्सल फैमिली को कहीं नहीं जाने देंगे हम। देखिए हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, अब हमें हमारी कार्रवाई करने दीजिए। हट यहाँ से। क्या खाक कार्रवाई करेंगे आप? ये तो अमीर लोग हैं साहब, 2 मिनट में छूट जाएंगे, फिर कौन करेगा हम गरीबों का इंसाफ? बसल फैमिली, बसल फैमिली, बसल फैमिली, बसल फैमिली, बसल फैमिली, हमें इंसाफ चाहिए। चुप हो जाइए आप लोग। बसल फैमिली, ये क्या कर रहे हैं आप सब? चुप हो जाइए, ये सब क्या हो रहा है? सर आप कुछ करते क्यों नहीं? ये लोग ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे। अब हम जाएंगे कैसे? ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। हमें किसी भी हालत में मजिस्ट्रेट के ऑफिस 4 बजे से पहले पहुंचना होगा। चलो पीछे के रास्ते से चलते हैं। हम लोग चलते हैं। क्या मतलब इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं है? हेलो माँ, आप कहाँ पे हैं और ये सब क्या हो रहा है? अब दीदी कैसी हैं? बेटा यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, पुलिस आरुषि को गिरफ्तार करके ले गई है। क्या आप कहाँ पे हैं अभी? बेटा हम सब उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमें जाने नहीं दे रहे। माँ आप घबराइए मत, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ बेटा तू जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जा, हम भी बस किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करते। जी मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। सुनो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। चलो ठीक है। मैम आपको क्या लगता है अगर वो लड़की मर गई तो क्या होगा? नो कमेंट्स। मैम ऐसे कैसे आप कह रही है नो कमेंट्स? अगर वो लड़की मर गई तो? कह दिया ना, कह दिया नो कमेंट्स। ये एक हिट एंड रन का मामला हो सकता है, कुछ तो बोलिए मैम। अरे ये क्या बोलेंगी, खूनिया ये लोग, इनको तो सड़क पे खड़ा करके पत्थर मारना चाहिए। पैसों का ताकत का जोर हमें मत दिखाइए, वरना इस थप्पड़ का जवाब मैं भी दे सकता हूँ।
ओए, बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है, शर्म नहीं आती? चुप, एकदम चुप। अपनी जुबान को लगाम दो, समझे? तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन बिना सबूत के जजमेंट पास करने की कोशिश मत करो। अदालत नहीं हो तुम, और हमारे देश में आज भी कानून का राज चलता है। चुप हो जाओ और हमारा रास्ता छोड़ो। हटो, और तुम लोग सब छाप दो और लिख भी दो, हटो। देखा ना आप लोग? देखा आप लोगों ने? एक तो मेरी बीबी को मारा, ऊपर से मेरे साथ भी दादागिरी कर रही है लोग। अभी अभी आपने देखा कि वत्सला ग्रुप के चेयरपर्सन ने विक्टिम के हस्बैंड को सबके सामने थप्पड़ मारा। क्या अब हमारे देश में यही होगा कि अमीर जिसे चाय मार कर बच जाए और गरीब बेचारे ठोकरे ही खाते रहे? गाड़ी भी अटका दी, कार कैसे निकालूंगा मैं? अब क्या करें? Come on, Minnie. Let's go. तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे किसी की बाइक कैसे ले सकते हो? वैसे भी बहुत परेशानी, ऊपर से चोरी। चोरी? इसे चोरी नहीं कहते, इसे इमरजेंसी कहते हैं। और वो क्या कर रहा है तुमने देखा? ऐसे बनेगा स्वच्छ भारत? Come on. अरे लेकिन, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं उसे बाइक लाके वापस कर दूंगा। अरे मेरी बाइक, बाइक लौटाने आऊंगा, यहीं रुकना। वहां बैठो, इसे बैठिए यहाँ पे। आरुषि, तू बिल्कुल फिक्र मत कर आरुषि बेटा। मिनी और रौनक दोनों गए हैं जमानत के लिए, बस कुछ ही देर में हम तुम्हें ले जाएंगे यहाँ से। पता नहीं ये वकील साहब पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे। हेलो, हाँ वकील साहब, पहुंच गए आप? मैडम बहुत ट्रैफिक है हाईवे पर, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए मैडम। चाची माँ, अम्मा को होश आ गया। मैम आप जाइए यहां से, यहां पे भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। अब ये पुलिस हिरासत में है, इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। देखिए हम यहां पर चुपचाप से बैठ जाएंगे, आप हमें यहाँ से मत हटाइए। देखिए मैम, यहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप वहाँ जाके बैठ जाइए, यहाँ इकट्ठा मत होइए प्लीज। दीदी रुकिए, वहाँ जाके बैठ जाइए। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं, बहन है ये मेरी। एक्सीडेंट केस में उन्हें अरेस्ट किया गया है। देखिए मेरी बहन कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। गिरीश, मैं ठीक हूँ। लेकिन दीदी, गिरीश मैं ठीक हूँ, तू बैठ जा वहाँ। हाय, आई एम जानवी। जानवी, आई होप हम ऐसे नहीं मिले होते। जितना गिरीश और आंटी जी से सुना है, उस बात से अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप कभी भी कोई गलत काम इंटेंशनली नहीं कर सकते। इसीलिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या सचमुच आप कार ड्राइव कर रही थी, या किसी और को बचाने के लिए आप ये कह रही हैं? क्या सचमुच आप कार ड्राइव कर रही थी, या किसी और को बचाने के लिए आप ये कह रही हैं?
अरे आप अभी तक यहीं पे हो, प्लीज जाइए यहाँ से। आप सुनते क्यों नहीं हो, चलिए जाइए ना प्लीज। सुनिए भाई साहब, हमें बेल के लिए अप्लाई करना है आरुषि वत्सल के लिए। देखिए भाई साहब, टाइम खत्म हो गया, 4 बज गए, आप लोग परसों आइए, अब तो जो भी होगा सीधा मंडे को ही होगा। हमें आज ही बेल लेनी है, समझे? जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। देखिए मैंने बोला ना, टाइम खत्म हो गया है, कुछ नहीं होगा। कॉलर छोड़िए मेरा। छोड़ो ना मानो, छोड़ो। देखिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी करके मेरी बहू को बेल मिलनी चाहिए आज, प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। लेकिन मैडम, शराफत से तो बात करना चाहिए ना, भाई साहब तो सीधा कॉलर पे आ गए। देखिए 4 बज चुके। लेकिन 5 मिनट तो है 4 बजने के लिए, प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन सब कुछ मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर है, अगर वो बैठे होंगे तो आपको बेल मिल सकती है, वरना परसों आइएगा सीधा मंडी को। ओके थैंक यू। चार बजने में सिर्फ 5 ही मिनट बचे हैं। पता नहीं अब मिनी और रौनक को जमानत मिल भी पाएगी या नहीं। काश बेहान यहाँ होता, ये सब कुछ होता ही नहीं। रेहान तो अब तक वहां पहुंच भी गया होगा, और वहां पहुंचते ही हमें फोन करेगा, हम भला उसे क्या जवाब देंगे? हरप्रीत क्या कहेंगे? मजिस्ट्रेट साहब वो तो चले गए हैं। सॉरी मैडम, अब तो आपका काम मंडे को ही होगा। माँ को क्या जवाब दूं कि आरुषि को 2 दिन तक लॉकअप में ही रहना पड़ेगा? हेलो माँ, क्या हुआ? माँ जमानत मिल गई ना? राधा, इन्हें लेके चलो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए आप इन्हें ऐसे लॉकअप में नहीं रख सकते। पीछे हटिए, हटिए पीछे। लेकिन गिरीश चुप हो जाओ, कानूनी तौर पर जो सही है वही होगा। लेकिन दीदी आपको ऐसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? गिरीश आप मेरे साथ चलिए, मैं देखता हूँ कैसे रोकता है। चलिए आप चलिए। हीरो जरा स्मार्ट मत बन, तेरी बहन ने जुर्म कबूल किया है इसलिए अरेस्ट किया उसको। चल विजय, हट विजय। दीदी आप चलिए, छोड़िए इनकी बातें, चलिए आप लेके जाओ इसे। चलिए आप मेरे साथ चलिए। गिरीश सुन मेरी बात, आप इनकी बातें छोड़िए। गिरीश मैं अपनी बहन को छोड़े कहीं नहीं जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, छोड़ छोड़। चाची माँ आप प्लीज बुआ माँ के पास रहिए, मुझे उनकी और उस लड़की विभाग की खबर देती रहिएगा, ख्याल रखिए। चलिए आप। पता नहीं आरुषि के साथ क्या सलूक करेंगे ये लोग।